भारत में सभी व्रत चाहे तीज या त्यौहार अच्छे से मनाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत कहे जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले में इसको लेकर महिलाएं अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। सभी जगह पर जहां पति पत्नी आपसी स्नेह को दर्शाते हैं, तो वहीं भीलवाड़ा जिले में देवरानी अपनी जेठानी को करवे में ड्राई फ्रूट और मिठाई भरकर देने का रिवाज है। इससे यह सिद्ध होता है कि देवरानी व जेठानी में भी आपसी रिश्ते एकदम मजबूत हो सके और यह एक तरह से देवरानी जेठानी के प्यार को भी बढ़ाता है और दोनों में स्नेह बना हुआ रहता है। भीलवाड़ा जिले में करवा चौथ के पर्व पर देवरानी जटानी को करवा देकर अपना स्नेह जताती है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि पूरे देश में करवा चौथ को पति के विजय कल्याण यश लंबी उम्र के लिए माना जाता है, तो वही दूसरी तरफ भीलवाड़ा जिले में करवा चौथ पर पति के साथ साथ देवरानी जेठानी के आपसी समझदारी और रिश्ते को भी मजबूत करता है। उपहार के तौर पर देवरानी अपनी जेठानी को यह देती है और बाद में इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते इसकी भीलवाड़ा शहर के बाज़ार में भारी डिमांड हो रही है। वहीं अगर सीज़न की बात की जाए तो भीलवाड़ा में करीब हज़ारों में यह शक्कर के करवे बनते हैं। मेरी करवा चौथ के लंबी उम्र के आदमी के लिए रखती हैं, तो ये शक्कर के करवे हैं, तो यूपी बिहारी लोग ज़्यादा काम लेते हैं या आम अग्रवाल लोग लेते हैं। और ये एक शक्कर का करवा एक पानी का लोटा जैसे होता किसी का, उनको कल चंद्रमा को आरख दे के यूज करती हूँ कल्याण से भर के आइटम और एक दूसरे दौरानी को चेंज कर। ये इसके हमारे अग्रवाल लोग यूपी बिहार में इनकी डिमांड है और यूपी साइड में तो खूब ज़्यादा डिमांड है, पर अपने डिमांड कम यहाँ 4-5 हज़ार कर रही है। ये 3-4 हज़ार अपने बुजुर्गों को बुलाए, मेरे को तो कम से 30-40 साल हो गई है। हाँ, हमारी फैमिली पूरी बतासे का अरे करवे का अगर खिलौने की नहीं। आज ही बाजार में आई हूँ, तो कल करवा चौथ का व्रत है, इसलिए बाजार में बहुत सुंदर सुंदर करवे बने हुए मिट्टी के और इसमें शक्कर का भी मतलब मिठाइयों की दुकान पर ये करवे मिलते हैं। इसको घर पर ले जाकर मैं ड्राई फ्रूट्स भर के अपनी सासू जी को या जो बड़े मेरे से जेठानी को उनको दिलाती हूँ और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। और इस सुहागने का बहुत अच्छा त्यौहार है, सब जने मिलजुल कर इसको मनाते हैं और पूजा करते हैं शाम को और चांद को अर्घ देख के फिर खाना खाते हैं।